losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless. आओ मैं हेल्प कर देता हूँ इसमें तो। अरे तो सारे कमरे में धूल ही धूल हो गई भाई। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? तो गाइज दो दिन से नहीं, एक दिन से या दो दिन से, कल ही तो व्लॉग डाला ना शादी वाले व्लॉग्स के बाद। हाँ, तो मैं कमेंट ऑफ द डे बताना भूल गई थी, तो ये है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमेंट जो मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है। आई नो बहुत सारे लोगों ने नोटिस कर लिया है, कुछ हेयर कट मेरा हुआ है और इसका व्लॉग मैंने प्रॉपर किया है, लेकिन मैंने बहुत कम किया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी किसी से भी डांट खाना। आप लोगों को भी मेरे लॉन्ग हेयर बहुत पसंद है, मेरे घर में भी सबको लॉन्ग हेयर मेरे बहुत पसंद थे। क्यों लगा है? क्योंकि मैंने शॉर्ट करा लिए हैं और बहुत हिम्मत करके कराए हैं, बट फॉर अ चेंज, फॉर मुझे था फॉर कि मेरी लुक थोड़ी डिफरेंट हो जाए, थोड़ा चेंज हो जाए। 2024 में भी बनता था एक न्यू हेयर कट जो मैंने नहीं लिया था, तो मैंने फेब में लिया और मैं बहुत हैप्पी हूँ इस हेयर कट के साथ क्योंकि कल से अब तक मुझे हद से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिल गए हैं। पहले मैं रो पड़ी थी इतने छोटे बाल देख के, और लेंथ कितनी कराई है कितनी नहीं ये मैं प्रॉपर डालूंगी व्लॉग, तो टेंशन ना लो, पूरा हेयर कट का व्लॉग आएगा। मतलब देख लो, बाद में हेयर कट का व्लॉग डाल रही हूँ, पहले लुक रिवील कर दिया, तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और अब थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया है कि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना ड्रीम बेड, जो मैंने वो हैंगिंग बेड मंगाया है, और साहिल के जो रिएक्शंस होने वाले हैं, मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी हम बाकी के काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी क्योंकि मुझे और काजल को एक छोटी सी प्रमोशन करनी है, तो उसको कम्प्लीट करके फिर आपके पास आती हूँ। कल ही मैंने और काजल ने इसको सेट किया था और आज ही आप देख लो कि इसकी क्या हालत हो गई है। हमें जहाँ जो मिलता है ना, बस हमें वहाँ पे अपने कपड़ों को रखना है। और यहाँ पर है आपकी प्यारी काजल रानी जो कि ब्रेसलेट पहन के बैठी है। 50 तोला निकालो। क्यों निकालो, मम्मी ने दिया है मेरी छोटी मम्मी ने निकालो निकालो बोला है छोटी मम्मी ने निकालो निकालो जहाँ से निकाल के लाइए उधर ही रख काजल। नहीं मैं पहनूंगी, मेरे कड़े के साथ जा रहा है यार। ज्यादा ना काजल, वो क्या बोलती मैं है तू मुझे बनती हूं भाई, मैं नहीं तू मुझे क्या बोलती है, शाणी मत बन। चलो निकालो मैम, शाणी मत बनो। सॉरी मैं तो शाणी शक्ति हूँ। निकाल निकाल अपना फेवरेट सॉन्ग तो सुना दे। कौन सा? बड़ा गा रही थी अभी हरियाणवी पे, डांस चल रहा था गाइस इसका, वो वाला रील्स पे देख लेना, 4 हरियाणवी सॉन्ग आएंगे डिफरेंट। तो मैं तो बनाऊंगी भाई। हाँ तो हमें भी सुना भाई। मैं लुकरा चांद री गोरी, थोड़े सबर के तने बांध री गोरी पंड, कर री सरमावण का, के लेगी मने बता दे मुंह दिखावण का, चेंज लेगी मने। तू ठाडा में माड़ी ना मिलता जोड़ा हो, तू ठाडा में माड़ी ना मिलता जोड़ा हो, भैया की सुमर जांगी ना मर मरोड़ा हो, चेंज। ओ का सांवला सा रंग ना वो चिट्टा गोरा है, बेरी घर का एक लाए छोर, हट जा हाँ हट जा ओ हट जाता हूँ, वेरी गुड वाचन है ना चले। गाइस मुझे एक बहुत क्यूट सा गिफ्ट मिला है जो है काजल। तू पागल है क्या? मुझे आज एक क्यूट सा गिफ्ट मिला है और इसका नाम है मिनी। मिनी है उसका नाम क्या है? तो कुछ और रख दे काजल। मिक्की की मिनी, मिक्की की मिनी का नाम कुछ और रख दे। टिनी। नहीं यार कितनी क्यूट नहीं है। और इसका ये नाम मैं रखती हूं। ये मुझे याना ने दिया है गाइस, मेरी क्यूट सी एक और बहन है छोटी सी। अब मैं इसको कंधे पे लेके घुमा करूंगी। तू कहीं मत लेके घूम इसे।
तो मैंने कहा था ना, तू मत ले मिनी का खोपड़ा फूट गया, सर्जरी के लिए ले चलो। मिनी का खोपड़ा नहीं फोड़ना था यार। गाइस मुझे बहुत 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 पसंद आई, थैंक यू याना, ये मैं अपने पास हमेशा रखूंगी। और अभी देखना मैं इसको कहां स्पेशल जगह रखने वाली हूँ। सो गाइज अब आपको दिखाती हूँ जो वो हैंग कराया है, और मेरा सरप्राइज तो वहीं चौपट हो गया जब सुबह वो मैं और काजल उसको हैंग नहीं करा पा रहे थे, क्योंकि वो हद से ज्यादा हैवी था और भैया तब आए तो हमें साहिल की हेल्प लेनी पड़ी। लेकिन हमें क्या लेनी पड़ी, मैं और काजल गए सलोन और पीछे से साहिल ने उसको फिट करा दिया, क्योंकि हमने भैया को 11 बजे का टाइम दिया था आने के लिए और वो 11 बजे आ गए और हम भूल गए। और फिर साहिल ने बस मुझे सरप्राइज दिया कि मैंने जो आपने मंगाया था उसको हैंग करा दिया है। और पहले तो उन्होंने, सच बताऊं, इतना अच्छा अच्छा बोला है ना मुझे, इतना अच्छा अच्छा कि काश मैं वो रिकॉर्ड कर पाती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं साहिल डागर जिसे उसको रिपीट कराऊंगी, वो बहुत खुश है उस बेड के साथ। लेकिन एक बहुत फनी चीज हो रही है, उस बेड को लगवा दिया है और डर ये रहे हैं सब कि उस पे बैठेंगे तो ये गिर ना जाए, क्योंकि जो भैया थे ना उन्होंने उसको जितना भी मजबूती से लगा सकते थे लगाया, लेकिन फिर भी यार डर तो लगता ही है ना। और वो थोड़ा सा नीचे लग गया है, उसको हमें और ऊपर करना है। बाकी सारी बातें बाद में करती हूँ, पहले आपको वो दिखाती हूँ, उसके बाद आपके साहिल डागर जिसे आपको मिलवाती हूँ। सो गाइस ये ऐसे हैंग हुआ है और यहाँ पे ये ऐसा, बेटा इसको सीधा कर दो काजल रानी। ये तो फाइनली ये कुछ ऐसा लग रहा है, हल्का सा इसको नीचे, मैं ही बोल रही हूँ कि क्योंकि जब हम बैठ रहे हैं ना तो थोड़ा और नीचे डाउन जा रहा है, और अभी तक सिर्फ मैं और काजल ही बैठ के टेस्टिंग कर चुके हैं। यहाँ पे ये ऐसे हैंग हुआ है तो साहिल काफी डर गए हैं बैठने में, क्योंकि उनका वेट हम दोनों का मिला के जितना बनता है उतना है, 80 और मेरा 50 और काजल आपका 47 है तू। अगर हम दोनों बैठ सकते हैं तो साहिल तो बैठ ही सकते हैं। अरे सब बैठ सकते हैं, इसमें 200 किलो का आदमी बैठ सकते हैं। तू करवा सकती है इसको ऊपर अभी अगर मैं तुझे गोदी में पकड़ू तो? नहीं ना गाइस, इसको पकड़ना, इसको उठाना बहुत बड़ी महाभारत है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेट है। पता नहीं है क्यों वर्ड मुझे आया, महाभारत बोला। तो ये मैं अपनी क्यूट सी मिनी को इधर रखने वाली हूँ, जो आज से इसी, नहीं ये इस झूले पे ही बैठेगी। और गाइस मैं बहुत खुश हूँ, अभी इसको हम डेकोरेट करेंगे कुछ टॉयज रख के। वैसे तो ये साहिल का है, क्या करेंगे यार। और यहाँ से ये सब हटाऊंगी और वो पीछे जो आपको काजल रानी दिख रही है उसको भी हटाऊंगी। तो पर हमारे कर्टन मैच हो गए हैं इससे और बहुत ही अच्छा ये मुझे लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताना। अब साहिल को लेकर आते हैं। मैंने नया नाइट सूट मंगाया था जो आपको दिखाया ही नहीं, और सब लोग पूछते रहते हैं ना मुझसे कि ये नाइट सूट आप कहाँ से लेते हो, तो मैंने बहुत पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, मैं सारे नाइट सूट अपने H&M से लेती हूँ। तो ये वाला भी मैंने H&M से लिया है, 3000 रुपीज का, और बहुत ही कम्फर्टेबल सा है। सच बताऊँ H&M के कपड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, मतलब आप ये मत मानना कि बिल्कुल ही खराब होते हैं, बट मुझे नहीं पसंद आते। सिर्फ नाइट सूट मुझे H&M के 10/10 लगते हैं, क्योंकि कंफर्टेबली नींद आती है, स्टफ बहुत अच्छा है। बट दो नाइट सूट खराब हुए हैं मेरे, जिसको मैंने दुबई में वॉश किया था मशीन से खुद से। अब मुझे नहीं पता, या तो मैंने बहुत हार्ड वॉश किया या क्या किया, बट वो ना श्रिंक हो गए और मेरा जो ये पजामा था बहुत छोटा हो गया मुझको। आपको दिखाया भी था शायद, मैंने नहीं दिखाया था तो कोई बात नहीं, बट बस ये ड्रॉबैक था, कुछ कुछ नाइट सूट खराब हुए हैं, बाकी सारे तो बढ़िया बेहतरीन एकदम। तो साहिल सो गए हैं गाइस, इसलिए मैं आपको नाइट सूट दिखाने आ गई थी। आपको यकीन नहीं आता है तो आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो ये वोफी सिंह है, क्या हालत हो जाती है बेड की, क्योंकि इसको आज ये नहा कर आया है और ये भी सोया हुआ है, और साहिल को भी देख लो कि कैसे सोए हुए हैं। तो अब समझ नहीं आ रहा कि उठाऊं या ना उठाऊं, तो वेट करना पड़ेगा, जब ये दोनों उठ जाएंगे उसके बाद आप लोगों को मिलूंगी। मुझे मिरर में व्लॉग करने की आदत हो गई है, शायद मैं दिखती रहती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है। और एक लड़की ने बोला था कि आपकी नेल पेंट अच्छी नहीं लग रही, तो उस लड़की को मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। किसी किसी को अच्छी लगती है, किसी किसी को नहीं लगती है, बट मैंने पहली बार कुछ डिफरेंट कलर ऐसे लगवाने का ट्राई किया था, तो एक दो दिन रखूंगी डियर, फिर इसको चेंज करा दूंगी। डियर मैंने उसको डियर बोला। कैसा लग रहा है नाइट सूट, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मैं लेने वाली हूँ। तो पहले ले ले काजल, कॉम्प्लीमेंट मत दे दियो, लेने की बात पहले कर, मुझे डिस्टर्ब मत कर। कितना बना है हम सब देखना चाहते हैं, डेली व्लॉग्स में दिखाना पड़ेगा ना लोगों को। दिखाओ कितना बना है, दिखाना, दिखा दिखा दिखा। गाइस कल जो मैंने बनाया था वो खोलना पड़ा, अभी दोबारा रीस्टार्ट किया है क्योंकि वो लेंथ भी कम हो गई थी। तो फेफ में बना देगी या मुझे होली पे बनाएगी? बना देगी ना, 4 दिन में। कल देखेंगे गाइस कितना बन जाएगा, आज इसने इतना बनाया। ध्यान से दिखा दे एक बार हमें कितना बना, इतना सिर्फ।
इतना ही कल था कल बात मैंने कल चार लाइन बना दी थी पर वो तेरे इसके लेंथ के हिसाब से गाइस छोटा बन गया था, मुझे आइडिया नहीं ना, फर्स्ट टाइम कर रही हूं तो दोबारा किया। ओके बना ले, कल देखते हैं कितना बनता है। बढ़िया इस बैग को तो साथ लेके घूमती है गाइस, ये कहीं भी सैलून में भी गई थी ना, इसकी बारी नहीं आ रही थी हेयर वॉश की तो यही बनाने बैठ गई थी, मुझे लगा आज आज में कंप्लीट हो जाएगा पर अरे मैंने बहुत बनाया। हां हां मैंने सुनना, चल बना बना कल दिखा दियो क्या बनाया, बनाओ बनाओ बनाओ। सो गाइस मैंने आपको दिखाया साहिल और रूफी दोनों सो गए हैं, तो जब वो दोनों उठ जाएंगे उसके बाद आप लोगों को मिलूंगी, तब तक मैं और काजल बैठ के अभी बातें करेंगे। इनको मैं एक चीज दिखाना भूल गई थी, जिस दिन रोज डे था ना साहिल ने मुझे ये दिया था और मुझे ऐसे हो गया था कि यार यू एंड मी टुगेदर वी कैन मेक मैजिक। वाओ है ना क्यूट सा। ये गाइस इन्होंने मुझे दिया था और मैं दिखाना भूल गई, ये अंदर है बहुत सुंदर सा रोज, देख रियल रोज तो नहीं है, रियल नहीं है लेकिन अच्छा ये हाँ निकालो मत चलो फाइनली गली में आज चांद निकला। गाइस बहुत नींद में है साहिल, कुछ ज्यादा बुलवाना नहीं चाहूंगी, बस सीधा साहिल को बोलना चाहूंगी कि हमें उस झूले पे लेट के और अपने कुछ थोड़े से अपने मोहताज दे दो, बस यही इन लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ। चलो चलो जाओ साहिल जी, ये बेड आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट था लेकिन आपने खुद ही इसको लगवा दिया, इससे बड़ा सरप्राइज क्या ही होगा। पता है मेन हमने क्या इसका लॉस देखा, पहले ही बता दूं, जैसे ही आप बैठोगे ये पूरा फ्लोर पे जाएगा तो इसलिए हमें इसकी चेन ऊपर करनी पड़ेगी। अभी आप बैठ के देखो आराम से, लेके भगवान का नाम, ये देखो है ना। अरे नहीं, नहीं वो पूरा नीचे तो आ गया ना, पर गाइस फाइनली साहिल का कंफर्ट जोन, क्योंकि साहिल के यहाँ पे बुक्स लैपटॉप और सब कुछ इधर ही होता है, ये इधर ही बैठ के पढ़ाई करते हैं, अब वो आराम से अपने इधर बैठ के पढ़ाई करेंगे। ये पूरा उस पे है फ्लोर पे नहीं, छोड़ दो छोड़ दो, नहीं पर ये फ्लोर पे है उधर सोफा है ना, टक 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 गाइस अभी इसकी सेटिंग कर दूंगी हाथ जुड़ो ठीक है। अब आप बताओ आपको ये कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, घुमाना पर एक चीज कर दोगे मेरे कहने से, ये जो चेन है ना इसको थोड़ी सी हाफ ऊपर कर देना ताकि ये थोड़ा ये जो अभी फ्लोर पे टच हो रहा है हो ना। वैसे कैसा लगा? मजेदार मजेदार, यही सो जाएगा। चलो तो इनको बाय बोल दो, आपकी वेट मैंने चार घंटे की है कि आपको मैं उठाऊ ना। हाँ कोई बात नहीं। सो गाइस देखो साहिल ऑलरेडी झूला अपने हाथों से लगवा चुके थे तो इनके रिएक्शंस बहुत अच्छे थे और ये बहुत हैप्पी हैं। तो गाइस अगर आपको ये झूला और सरप्राइज पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, मिलूंगी आपको कल एक और ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बाय।